और अब बात करेंगे आज की अच्छी खबर की, जिसमें आइए आपको दिखाते हैं राजस्थान के एक टीचर का अनोखा कारनामा, जिसने लॉकडाउन में अपने स्कूल की तस्वीर ही बदल दी। कैसे, देखिए एक रिपोर्ट। कहते हैं जब कुछ करने का जज्बा हो तो कोई राह कठिन नहीं होती, और मकसद साफ हो तो मंजिल मुश्किल नहीं होती। ये दो तस्वीरें इसी बात को सही साबित कर रही हैं। दोनों तस्वीरें एक ही स्कूल की है, एक कोरोना काल की है और एक कोरोना काल के बाद की। और स्कूल की सूरत को किसी और ने नहीं बल्कि स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर ने बदली है। जी हाँ, वही टीचर जिस पर स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ाने का जिम्मा होता है। लेकिन एक टीचर ने स्कूल की सूरत बदलने की जिम्मेदारी उठा ली और स्कूल को ऐसा बदला कि लोगों के लिए एक मिसाल बन गए। सरकारी स्कूल की ये तस्वीरें जयपुर से 45 किलोमीटर दूर ढेकला गांव की हैं, जहां इन दिनों इस स्कूल पर जिसकी भी नजर जाती है आंखें ठहर जाती हैं। स्कूल की दीवारें और क्लासरूम सुंदर चित्रकारी से सजे हैं, मगर ये कमाल किसी चित्रकार का नहीं बल्कि स्कूल के टीचर का है। दरअसल कोरोना काल के बावजूद सरकारी स्कूल के टीचर नरेंद्र दादरवाल रोज स्कूल आते थे, पूरा वक्त खाली बीतता था। इस दौरान वो स्कूल की जर्जर होती हालत देखकर परेशान हो उठते थे। एक रोज उन्होंने ठान ही लिया कि वो स्कूल की सूरत सुधार कर रहेंगे। बस फिर क्या था, स्कूल टीचर नरेंद्र दादरवाल ने सोशल मीडिया के जरिए चित्रकारी सीखी और फिर स्कूल की दीवारों पर सुंदर चित्र उकेरने शुरू कर दिए। वो मार्च का महीना था, उस टाइम में मैंने स्टार्ट किया था और बच्चे आ नहीं रहे थे स्कूल में, तो सोचा क्यों ना इसका सदुपयोग किया जाए इस समय का। तो मेरे को 1.5 महीना लगा था सर इसमें, सुबह से शाम तक करता था। धीरे धीरे, ऐसा पेंटर था नहीं मैं कि मैं कर पाऊँ, कोशिश की धीरे धीरे, तो मैंने लगभग 1.5 महीने में मैंने किया था सर। कोरोना काल में जहाँ स्कूल के बाकी टीचर अपने अपने घरों में कैद थे, वहीं नरेंद्र दादरवाल स्कूल की दीवारों पर चित्रकारी के साथ साथ बच्चों को प्रेरित करने वाले कोई स्लोगन लिख रहे थे। नरेंद्र ने अपने मेहनत के दम पर स्कूल को खूबसूरत बनाया, सुंदर बनाया। करीब 45 दिन लगातार मेहनत करके ये अच्छा स्वरूप स्कूल को दिया है। ऐसे में एक जिम्मेदारी हमारे जिम्मेदारों को भी बनती है कि इस तरह की तस्वीरें ना हैं। कम से कम जो 70 से अधिक बच्चे हैं, एडमिशन जारी है, ऐसे में बच्चे और भी होंगे, तो भला इन दो कमरों में उन बच्चों को कैसे बिठाया जाएगा, जिसमें से एक कमरे की हालत तो बेहद जर्जर है। ऐसे में जिम्मेदारों को भी आगे आना होगा और सरकार को भी समझना होगा।